उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में नाबालिग के साथ रेप के मामले में पुलिस ने डीएनए सैंपलिंग कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। कोर्ट से परमिशन के बाद पुलिस आरोपी मोहित खान और राजू खान का डीएनए टेस्ट करवाएगी। इसी के साथ पुलिस ने केजीएमयू में इलाज के लिए भर्ती पीड़िता के गर्भ का सैंपल भी रखा गया। जांच अधिकारी का कहना है कि कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दरअसल गैंगरेप की यह घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में हुई थी। यहां एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने वीडियो बना लिया था, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल कर रेप करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई थी। पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन परिवार का यह आरोप था कि शुरू में पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में जब हिंदू संगठनों के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने आक्रोश जताया तो पुलिस ने सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले राजू खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। पीड़ित नाबालिग लड़की की मां ने बीते 2 अगस्त को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। इस दौरान सीएम ने सपा नेता मोहित खान समेत अन्य आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी पर भी एक्शन हुआ। वहीं आरोपी की संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई। रेप के आरोपी मोहम्मद मोहित की तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। यह पहली बार है जब उस पर कोई कार्रवाई हुई है। बीते 20 साल से मोहित समाजवादी पार्टी का वफादार रहा है। अयोध्या नगर कोतवाली में जिस भदरसा नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद राशिद पर पीड़ित आरोप को धमकाने की FIR दर्ज कराई गई है। मोहित राशिद के पिता मोहम्मद अहमद का करीबी हुआ करता था। राशिद भदरसा नगर पंचायत का अध्यक्ष हुआ करता था और मोहित उसका सबसे करीबी था।